चलिए भाई नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो भाई क्या है कि इस साल जो है क्लास टेंथ में एमसीक्यू ही पूछा जा रहा है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, और हम आज के क्लास में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में एमसीक्यू के तौर पर यूज होने वाले हैं। मतलब बहुत ज़्यादा आपको फायदेमंद जो है ये आज की वीडियो देने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के जो है क्लास टेंथ के फर्स्ट चैप्टर जो है आपका रियल नंबर, उस पर कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व जो है यहाँ पर टोटली करके दिखाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे बिना किसी देरी के, तो देखते रहिए पूरा वीडियो, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू लेते हैं आपका फर्स्ट नंबर। और क्या है दोस्तों कि यहाँ देखिए, मैं यहाँ पे जो भी मेरा क्वेश्चन होगा आपके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पे जाइए, मेरा ड्राइव में डला हुआ है इसका क्वेश्चन, तो वहाँ से आप क्वेश्चन डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्वेश्चन डाउनलोड करिए और खुद भी सॉल्व करके अगर आप देखना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, या फिर उसमें से अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे मैं जो इसका सॉल्यूशन कराने वाला हूँ वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्या है कि लेते हैं आपका फर्स्ट नंबर एमसीक्यू का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर ऑफ को प्राइम। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि को प्राइम क्या होता है, तो को प्राइम ऐसे होते हैं जैसे कि आपका 9 हो गया और 17 हो गया। इसका HCF अगर देखें तो इसका HCF कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी को प्राइम नंबर उसी को बोलते हैं जिसका HCF कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब 9 और 17 क्या है, एक को प्राइम नंबर है, बस सिंपल सी बात है। तो आपका अगर आप 1 का 1 देखेंगे, ठीक है, सॉरी 1 का, तो आपका ऑप्शन देखेंगे तो आपका 1435 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 7 से हो रहा है डिवाइड, उसके बाद 31 सी नंबर, 31 93, उसके बाद 32 और 62 कोई भी नहीं होगा। यहाँ पे बी नंबर आपका जो है 18 और 25, बी नंबर ऑप्शन जो है आपका वो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इसको रख कर देते हैं। सेकेंड नंबर क्या है, इफ़ ए इज इक्वल टू 2 to the power 2, 3 to the power 3, 5 to the power 4 एंड बी इज इक्वल टू इतना ही दिया हुआ, तो HCF निकालना है ए और बी का, आपको HCF निकाल के देना है। तो यहाँ पे देखिए ए इज इक्वल टू क्या आप लेंगे, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 4, और उसके बाद b इज इक्वल टू लेंगे 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5। तो आपका HCF जो होगा a b का कितना हो जाएगा, तो HCF आपका क्या हो जाएगा भाई कि आप यहाँ से जो कॉमन है वो आप उठाएंगे, जैसे कि यहाँ 2 है तो कॉमन कितना होगा, 2 के पावर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 3 पे स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 5, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो 180, तो 180 आप देखिए कहाँ पे है आपका, तो 180 आपका 2 का बी में है, ठीक है, तो 2 का बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए 3 की ओर चलते हैं, तो आपका यहाँ भी HCF ही निकालने के लिए आपको कहा गया है, तो आप 3 नंबर को का जो क्वेश्चन है वहाँ पे आप पढ़ेंगे, तो HCF ऑफ यहाँ भी वही चीज़ है आपका 3 है दिया हुआ, मान के चलिए 2 के पावर 3, उसके बाद यहाँ पे 3 के पावर 2, उसके बाद 5, और उसके बाद है यहाँ पे 2 के पावर कितना है स्क्वायर, उसके बाद 3 पावर 3 और इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है 2 के पावर 4, उसके बाद है 3 इंटू 5 3 इंटू 7। तो यहाँ पे अगर आपको इसका HCF निकालने के लिए कहा गया है तो वही आप वही उठाएंगे जैसे कि जो तीनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ देखिए 2 के पावर स्क्वायर जो है वो कॉमन आ रहा है, 3 में देखेंगे तो 3 ये एक 3 कॉमन ही आ रहा है, उसके बाद यहाँ देखेंगे तो ये 5 कॉमन आ रहा है, उसके बाद 7 तो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो आपका इतना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 4 इंटू 5 इंटू 3 कितना, 15, तो 15 इंटू 4 60, तो 60 आपका सही आंसर हो जाएगा, मतलब 3 का सी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद है डी नंबर, तो डी नंबर आप देखेंगे LCM ऑफ, अच्छा ये आपको अब LCM निकालना है, LCM निकालना है किसका जी, तो LCM निकालना है आपका 2 के पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 और 2 के पावर 4 इंटू 5 इंटू 7।
आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के कहने का मतलब ये है कि जो भी कॉमन आ रहा है वो भी और एक्स्ट्रा भी, मतलब कि 2 के पावर 3 और 2 के पावर यहाँ पे 4 है, इसका मतलब 2 के पावर 3 आपका क्या आ रहा है यहाँ पे कॉमन आ रहा है, लेकिन कॉमन आने के अलावा भी जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो भी आपको लेना है, मतलब कि 2 के पावर यहाँ पे 4 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 और 5 तो 5 ही हो जाएगा, उसके बाद फिर 3, उसके बाद फिर 7। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे 2 4 2 8 2 16 5 3 15 17 इतना हो जाएगा, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 105 को 16 से करेंगे 6 5 30 6 और ये हो जाएगा 105 का 105 हो जाएगा, तो 0 5 3 8 6 8 1680 क्या आपका है यहाँ पे? ठीक है, बिल्कुल है 4 नंबर का डी नंबर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना हो गया, उसके बाद 5 नंबर की ओर चलते हैं आपका, एक मिनट ड्रॉप कर लेते हैं। देखिए 5 नंबर का सवाल देखिए आप, तो 5 नंबर का सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है कि द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 27, 2 नंबर का एचसीएफ है 27 और एलसीएम है 162, इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 54 व्हाट इज द अदर नंबर, अदर नंबर क्या है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे दिया गया है, तो आप ये जानते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, तो HCF कितना दिया हुआ है जी 27, ठीक है, LCM कितना दिया हुआ है 5 नंबर का जी, LCM है 162, उसके बाद दिया गया है 1 नंबर है 54 और 1 नंबर यहाँ पे X यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो X इज इक्वल टू कितना होगा, तो 27 इंटू 162 और नीचे में 54 जाएगा, तो ये दो बार में जाएगा, ये जाएगा 81 क्या है ऑप्शन है यहाँ पे जी, 5 का D नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर है, 6 नंबर क्या है आपका यहाँ पे, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है जो 1600 है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है जी, उसके बाद है एंड देयर एचसीएफ इज 5, देयर एलसीएम ऑफ द नंबर इज, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है 1600, उसके बाद एचसीएफ है 5, तो LCM पता करना है, तो LCM यहाँ पे लिखिए और LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 1600 by 5, तो 5 3 15 5 2 10 321 5 2 10 हो गया, 10 कट गया, 5 2 10 12 में, उसके बाद 0 जी बिल्कुल 320 हो जाएगा यहाँ पे, तो 6 का हो जाएगा सी नंबर आंसर। 7 आते हैं, तो 7 में है व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड ईच वन ऑफ 1152 एंड 1664 एग्जैक्टली। देखिए लार्जेस्ट नंबर बोला जा रहा है जो कि 1152, ठीक है, और किसको 1664, ठीक है, ये दोनों को क्या करें एग्जैक्टली डिवाइड करें, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड इतना। देखिए ये दोनों को जब कोई नंबर एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, वो भी सबसे लार्जेस्ट नंबर बोला गया है, तो कहने का मतलब कि HCF क्या होता है कि वैसा नंबर जो सबसे बड़ा नंबर जो कि ये दोनों का फैक्टर हो, तो ये दोनों का जो फैक्टर होगा वही तो ये दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। इसका मतलब कि ये दोनों को अगर हम HCF निकाल दें, जिसका मतलब हम लोग क्या कर दिए कि ये दोनों का HCF अगर निकाल दिए, तो इसका मतलब हम लोग उसका जो सबसे बड़ा नंबर है जो ये दोनों को डिवाइड करेगा वो हम लोग निकाल देंगे, तो इसका अगर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 128, ऐसा बड़ा नंबर होगा, मतलब 128 कितना नंबर में, सी नंबर में है। ठीक है, ऐसा करके इसका हो जाएगा, ठीक है, आपका HCF तो निकालना है, आता ही होगा इसका 2 नंबर का 1152 और 1664। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर क्या है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 70 एंड 125, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। देखिए क्वेश्चन 2 है, समझिए थोड़ा सा कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 नंबर दिए गए यहाँ पे कि 8 नंबर था ना, बिल्कुल 70 और 125, ठीक है 70 और 125, तो इसमें रिमाइंडर कितना बचना चाहिए जी 5, और इसमें बचना चाहिए 8, इसमें बचना चाहिए 5, इसमें बचना चाहिए 8, ठीक है 2 रिमाइंडर से बच रहा है। ध्यान से सोचिए
और ये बोल भी क्या रहा है, लार्जेस्ट ना जी, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए जो ये रिमाइंडर 5 बच रहा है, अगर इसमें 5 घटा दें तो रिमाइंडर क्या कुछ बचेगा? नहीं। तो ये हो जाएगा 65 और ये हो जाएगा इसमें 8 अगर घट जाएगा तो 117 ना, बिल्कुल 117 हो जाएगा। तो ये दोनों का अगर HCF निकाल दें हम, ठीक है, ये दोनों का अगर हम HCF निकाल दें तो हम लोग वो सही नंबर पकड़ लेंगे जो ये दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, ठीक है। जो कि रिमाइंडर कितना कितना बच जाएगा, वही 5 और 13। तो ये दोनों को अगर हम HCF निकालते हैं तो ये दोनों का HCF निकलता है 13, मतलब 13 जो है हमारा ए नंबर में है, ठीक है जी। 9 यहाँ पे देखिए 128 का सी, ये डायरेक्ट सी लिखिए, क्यों आप 128 यहाँ पे सी लिखिए, ठीक है। 9 व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 245 एंड 1029 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस, 5 रिमाइंडर बच रहा है ईच केस में। कहने का मतलब 245 है, 245 में है और 1029 है, ठीक है, ये दो नंबर है आपके। और व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड इतना इतना लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस, 5 रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब कहने का मतलब कि अगर ये 240 कर दें और अगर ये 1024 कर दें, ठीक है, 5 इसमें भी घटा दिए, 5 इसमें भी घटा दिए, तो दोनों में से 5 अगर घटा देंगे तो इसका मतलब इसका जो हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या वो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा? नहीं, कितना आएगा? 0 आएगा। तो अब इसका अगर HCF निकाल दें, बिल्कुल अब इसका अगर HCF निकाल दें तो वो HCF इसका जो लार्जेस्ट नंबर होगा वही डिवाइड करेगा इसको, ठीक है। तो 9 नंबर का अगर आप देखें, इसका HCF अगर निकालेंगे तो वो आपका 16 निकल जाएगा, मतलब बी नंबर, ठीक है। उसके बाद चलिए 10 नंबर की ओर। तो 10 नंबर क्या है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1095 और इसको डिवाइड करना है 1168 से। तो इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म मांग रहा है, इसका मतलब कि इसको जो कटेगा वही है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये कटेगा, इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पे, इसका अगर कटाएंगे तो ये हो जाएगा 15 और नीचे हो जाएगा कितना, 16, ठीक है। इसका मतलब ये 15-16 कहाँ पे है, डी नंबर पे है, तो 10 का डी हो जाएगा इसका, ठीक है। 11 नंबर, इक्वली डिवीजन लेमा स्टेट दैट फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर मस्ट सेटिस्फाई। ये देखिए हम लोग ये लिए थे कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये है तो ये है अपना क्वेश्चेंट, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, डिवाइजर, ये हो जाएगा डिवाइडेंट, ठीक है। तो ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि R जो रहता है वो क्या होगा, तो R आप C नंबर को देखें, डायरेक्ट आपका नज़र C नंबर पे जाएगा, 11 का C नंबर पे, कि R जो है वो जीरो भी हो सकता है, कोई भी हम लोग डिवाइड करते हैं तो R हमारा जीरो भी हो सकता है या जीरो से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन R जो है, हाँ जी, R जो है वो जीरो भी हो सकता है और जीरो से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन R जो होगा हमारा, वो हमारा जो है B से, ये जो B है मतलब जो बीच वाला जो है उससे क्या होगा, छोटा होगा। तो कहने का मतलब कि आपका 11 का C नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आप आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा क्या है, 12 नंबर का सवाल है, इसको पहले रब कर लेते हैं। चलिए 12 नंबर का सवाल क्या है हमारा, कि ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 143 लीव्स 31 एज रिमाइंडर। देखिए आप 12 नंबर को देखिए, यहाँ पे 12 नंबर का सवाल है ये, तो क्वेश्चन है यहाँ पे व्हेन ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 143। देखिए कोई भी नंबर है, मान के चलिए ए कोई नंबर है, ठीक है, ए कोई नंबर है, उसको 143 से हम डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है जी, 143 से डिवाइड कर दे रहे हैं। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 143 लीव्स 31 एज रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आता है 31, तो मान के चलिए यहाँ कुछ क्वेश्चन भी आया होगा, निश्चित आया होगा। तो इसको अगर इक्वली डिवीजन लेमा के अनुसार अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 143 इंटू क्यू और प्लस कितना 31, ये लिख सकते हैं। What will be the, अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, What will be the remainder when the number, when the same number is divided by 13? Remainder क्या होगा जब same number, इसी number को, A number को जब हम किससे भाग दें, 13 से भाग दें,
तो यहाँ पे देखिए, अगर a by 13 आप कर देते हैं तो कहने का मतलब कि 143 by 13 करेंगे आप, ठीक है, इंटू यहाँ पे q है, प्लस 31 by 13 करेंगे इस तरह से। तो इसको अगर करना चाहें, इसको 13 से भाग देना चाहें, मतलब a को 13 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा जी, 13 से जाएगा, सॉरी यहाँ पे आप करके देख सकते हैं कि 13 143 q, ऐसा था, तो ये 11 क्यू बार में जाएगा कि नहीं, ये जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर 13 इंटू 11 क्यू लिख सकते हैं कि नहीं, तो 13 इंटू 11 क्यू ये लिख दिए प्लस, ठीक है। उसके बाद 13 और कितना है इधर 31, तो ये दो बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 × 5 हो जाएगा, तो 13 इंटू 2 प्लस 5 ये लिख सकते हैं आप, ठीक है, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो जब 143 क्यू बाय 13 को आप 13 इंटू 11 क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और प्लस जीरो, मतलब बात वही रहा, ठीक है, हम प्लस जीरो यहाँ पे नहीं किए। उसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे तो 13 इंटू 2 प्लस 5 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस दोनों केस में से, ये प्लस और ये प्लस वाले में से, ठीक है, यहाँ पे अगर हम 13 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ बच जाता है 11 क्यू प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 ही बचेगा ना, बिल्कुल 2 ही बचेगा, और यहाँ पे बच जाता है 5। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि हम a को क्या लिख रहे थे, 143 क्यू और प्लस क्या 31, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 143 के जगह में 13 आ गया। यहाँ देखिए आप इसी को ना इस फॉर्म में लिखे हैं, a इज इक्वल टू 143 क्यू प्लस 31। अब इसी को अगर हम यहाँ पे अगर सेट करना चाहें तो 143 यहाँ क्या था एक डिवाइजर था, तो यहाँ पे डिवाइजर क्या आ गया 13। उसके बाद देखिए ये क्यू क्या था हमारा, क्वेशेंट, तो यहाँ पे क्वेशेंट क्या आ गया 11 क्यू प्लस 2, और उसके बाद प्लस 31 क्या था हमारा रिमाइंडर, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 5 आ गया। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5, तो यही तो आपसे पूछ रहा है। तो 5 कितना नंबर में है, डी नंबर में, तो 12 का डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए 13 नंबर की ओर स्कोर अप कर रहे थे पहले, चलिए 13 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। ये आपको जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपका इरेशनल कौन है वो बता देना है। तो फर्स्ट नंबर आप पकड़िए, तो 22/7 22/7 है, ये कहने का अर्थ ये है कि 22/7 यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि पाई इज इक्वल टू 22/7 है, नहीं, सिर्फ 22/7 लिखा हुआ है, मतलब ये पी वाई क्यू के फॉर्म में है और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये क्या आ गया रैशनल। बी नंबर पकड़िए तो 3.1416, तो ये भी एक टर्मिनेटिंग है, तो ये भी आपका क्या आ गया रैशनल हो जाएगा। सी नंबर पकड़िए तो 3.1416 पे बार लगा हुआ है, मतलब रिकरिंग है, तो वही रिकर कर रहा है, इसका मतलब कि ये रिकरिंग डेसिमल हो गया, मतलब रैशनल नंबर हो गया। डी नंबर को आप देखेंगे तो 3.1411, उसके बाद 4111 है, उसके बाद 4 के बाद फिर आपका कितना 1 होगा 4, उसके बाद फिर 5 1, उसके बाद 6 1, इस तरह से होगा। तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, 13 का डी नंबर। उसके बाद चलिए 14 की ओर, तो 14 नंबर क्या है आपका, तो 14 नंबर है आपका पाई क्या है, पाई एक हमारा इरेशनल नंबर है, साफ साफ बात है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तो उसके बाद चलिए 15 की ओर, तो 15 क्या है हमारा कि 2.35 इज क्या है, एक क्या है, एक रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है या इंटीजर है या क्या है, तो 2.35 एक क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो 2.35 बार बार वही आएगा, ठीक है, रिकरिंग डेसिमल हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, एक रैशनल नंबर, 15 का बी नंबर, ठीक है, 15 का बी आपका यहाँ पे सही होता है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए 16 के और चलते हैं, तो 16 आप देखेंगे तो 2.1311 131, उसके बाद 1311 13, देखिए ये बार बार जो है बढ़ रहा है ना, ये एंड कर रहा है, मतलब ना ये टर्मिनेटिंग है और ना इसका मतलब जो सेम नंबर है वो रिकर कर रहा है, नहीं कुछ नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो 16 का सी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए
17 की ओर, तो 17 आपका क्या है, ए नंबर, द नंबर इतना इज, ये क्या है एक, तो यहाँ पे आप देखेंगे 2463, देखिए नंबर पकड़िए आप 2.3.2463, उसके बाद ये 63, ये 63, ऐसे करके है, ठीक है। तो अगर इसको हम ऐसे करके है, अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो ये दो डिजिट इधर खिसक जाएगा, जिसका मतलब 3.24 हो जाएगा, सॉरी 3.24 नहीं होगा, 324 हो जाएगा, 324.63 पे रिकरिंग लग जाएगा। यहाँ देखिए यही 6363 रिकर कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो 17 का आपका रेशनल नंबर हो जाएगा, मतलब 17 का बी नंबर, ठीक है। चलिए उसके बाद चलते हैं हम, 17 तो हो गया, उसके बाद चलते हैं 18 की ओर। तो 18 क्या है हमारा, कि द नंबर 18 विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग के फॉर्म में किसको लिख सकते हैं, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें टर्मिनेटिंग कौन सा लिख सकते हैं। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो टर्मिनेटिंग वही होते हैं जो नीचे वाले जो होते हैं, मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में जो होते हैं, तो क्यू को हम लोग सिर्फ व सिर्फ 2 या 5 या दोनों के फॉर्म में लिख सकते हैं, सिर्फ 2, सिर्फ 5 या फिर 2, 5, उसके अलावा कुछ दूसरा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो 165 करेंगे आप, तो 165 का अगर आप करेंगे तो, सॉरी 2 से तो जाएगा नहीं, ये 5 से जाएगा, 5 + 15 हो जाएगा, उसके बाद 5 + 15 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ देखिए 3 आ गया, ख़त्म हो गया इसका खेल, ख़त्म हो गया। उसके बाद चलिए 30, आप क्यू को सिर्फ पकड़िए, तो 2 से खाएगा तो ये 15 में, और ये 5 से खाएगा तो 5 + 15, ये 3 आएगा, ये भी ख़त्म हो गया। उसके बाद चलिए 625, तो 625 आप चलेंगे तो यहाँ पे 5 से खाएगा तो कितना बार में, 525, ठीक है। फिर 5 से जाएगा तो 25 × 5 = 125, ठीक है। उसके बाद 5 × 5, ये देखिए ओनली 5 के में। उसके बाद चलिए लास्ट वाला ऑप्शन में ले ही लेते हैं, 462, तो यहाँ अगर 2 से करेंगे तो 2 × 2 = 2, 2 × 3 = 2, 1 = 1, ये देखिए 130 आ गया, इसका मतलब ये 2 और 5 के अलावा आ रहा है, इसका कहने का मतलब कि इसका 625 हो जाएगा, कहने का मतलब कि 625 मतलब 18 का सी, ठीक है। उसके बाद चलिए 19 की ओर, तो 19 क्या है हमारा, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर, एक मिनट रब कर लेते हैं इसको, 19 क्या है हमारा, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर 37/2² × 5 विल टर्मिनेट आफ्टर, कितना डेसिमल के बाद वो टर्मिनेट करेगा, मतलब 37/2² × 5 है, इसको अगर लिखें हम सही से तो 37/4 × 5 कितना हो जाएगा, 20, तो कितना डेसिमल के बाद टर्मिनेट करेगा, तो देख लेते हैं कितना डेसिमल के बाद टर्मिनेट करेगा जी, तो 20 37, तो एक बार में जाएगा 20, कितना हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 3/2, 1, उसके बाद यहाँ पॉइंट अगर लगाना चाहें तो फिर 0 हो जाएगा, तो 8 × 16 = 160, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 10 0 20 जैसा हो, तो 2 डेसिमल है, पॉइंट के बाद कितना है डेसिमल 2, तो 2 डेसिमल मतलब 19 का बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर देखते हैं, तो 20 क्या है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए नंबर, वही क्वेश्चन है, सेम सवाल है, तो आप ऐसे ही इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर, 20 का डी नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। 21 का आप देखें, द नंबर 1.732 इज क्या है, 1.732 ये नंबर कौन सा है, इसको अगर लिखना चाहें दोस्तों तो 1.732 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये P, ये Q, तो P by Q के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, तो P by Q के अगर फॉर्म में इसको लिखेंगे इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 21 का देखेंगे तो ये हो जाएगा रेशनल नंबर, मतलब 21 का बी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, मतलब 22 की ओर। तो ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव इंटीजर सच दैट द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए इज 3 एंड लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ बी इज 5
देन द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी इज कितना कितना होगा जी। बिल्कुल सवाल आपको समझ में नहीं आया होगा, पता है, बता देते हैं, एक मिनट रब करने दीजिए। हाँ जी, तो क्वेश्चन है यहाँ पे, ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर, ए और बी दो क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है जी। उसके बाद क्या कह रहा है कि सच दैट द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए इज, ए का लिस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, थ्री, मतलब थ्री से छोटा कुछ उसका प्राइम फैक्टर होगा ही नहीं, और बी का क्या है प्राइम फैक्टर, फाइव, बी का क्या है, फाइव। तो याद रखिए, कहने का अर्थ ये है कि इसका थ्री है और इसका फाइव है, इसका थ्री है और इसका कितना है, फाइव है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, ऑड है। अगर ये ऑड हो गया और यदि ये दोनों ऑड को जोड़ेंगे, ठीक है, ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू क्या होता है, इवेन, ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, इवेन होता है। तो ऑड प्लस ऑड इवेन होता है, और इवन का अगर हम देखेंगे लिस्ट प्राइम फैक्टर, इवेन का अगर हम लिस्ट प्राइम फैक्टर देखेंगे तो इवेन का लिस्ट प्राइम फैक्टर कितना होता है, टू, इसका मतलब 22 का आपका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहां पे 23 क्या है आपका, रूट टू क्या है आपका, तो रूट टू एक सिंपल बात है भाई, इरेशनल है, ठीक है, हमने क्लास भी इस पर ले रखी है खूब अच्छे तरह के डिटेल से, ठीक है। उसके बाद क्या है, वन बाय रूट टू क्या है, तो वन बाय रूट टू भी क्या है, एक इरेशनल है, ठीक है, तो 24 का भी सी हो जाएगा। 25 का अगर देखेंगे, 25 का ये क्या है, टू प्लस रूट टू है, तो टू प्लस रूट टू क्या है, मतलब रैशनल और प्लस इरेशनल क्या होता है, एक इरेशनल होता है, कहने का मतलब कि ये क्या हो जाएगा, इरेशनल, 25 का सी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर है, तो 26 क्या है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10। बिल्कुल सही, एक मिनट देखिए आपका क्वेश्चन क्या है कि लीस्ट नंबर क्या होगा दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10, 1 से 10 तक, वाट इज द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजल बाय ऑल द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10, मतलब 1 से लेकर 10 तक वो ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जो कट जाएगा, सभी से कटेगा, ठीक है। तो अगर सभी से कट रहा है, इसका मतलब कि 1 से लेकर 10 के बीच में अगर हम एलसीएम निकाल दें, ठीक है, तो इसका मतलब वो सभी से कट जाएगा। तो 1 से लेकर 10 तक एलसीएम निकाल लेंगे तो उसका एलसीएम क्या होगा आपका, 25/26 होगा, मतलब 26 का सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 का भी अगर आप देखेंगे तो 3 का भी देखेंगे, 4 का भी देखेंगे, डिटेल बता रहे हैं, इसको आप समझ लीजिएगा, 6 का, उसके बाद यहाँ 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, ऐसे करके। तो इसका अगर करेंगे तो इसका 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 2 into 2 हो जाएगा, उसके बाद इसका 5 हो जाएगा, उसके बाद इसका 2 into 3 हो जाएगा, उसके बाद इसका कितना हो जाएगा, 7, इसका कितना हो जाएगा, 2 into 2 into 2, 2 4 2 8, ठीक है। इसके बाद इसका कितना हो जाएगा, 3 into 3, और उसका हो जाएगा 2 into 5। तो इस तरह करके इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम उसको निकालते हैं जो कि आपका कॉमन है वो भी, और जो बिना कॉमन है वो भी, इंटू हो जाएगा, तो 1 होगा इंटू, इसका अगर देखेंगे तो ये क्या होगा, इंटू होगा, 1 होगा इंटू, उसके बाद ये देखिए, ये 2 यहाँ है, उसके बाद ये 2 यहाँ है, ठीक है, उसके बाद ये 2 यहाँ भी है, उसके बाद ये 2 यहाँ भी है, ये 2 यहाँ भी है, तो ये 2, उसके बाद 3, तो ये 3 यहाँ है, ये 3 यहाँ है, ये 3 यहाँ है, ठीक है, 3, 4 क्या कहीं पे है, नहीं है, 5, तो 5 यहाँ पे है और यहाँ पे है, ये देखिए 5, तो एक 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 देखें आप, तो 6 है कहीं पे, नहीं है, 7 है, बिल्कुल है 7, तो 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7 हो गया जी,
और क्या कोई बचा? नहीं, तो नहीं बचा, तो ये और अब बच क्या गया? वन तो आप ले ही चुके हैं, वन टू थ्री टू ये सब ले ही चुके हैं, तो यहाँ पे बच क्या क्या गया? तो ओ सॉरी, यहाँ पे देखिए टू, ये टू और ये टू कॉमन आ रहा है, तो ये भी टू हो जाएगा एक, और उसके बाद एक टू यहाँ एक्स्ट्रा बच रहा है, ठीक है, तो ये टू और उसके बाद यहाँ एक तीन, ये भी एक्स्ट्रा बच रहा है, इन टू तीन कर देंगे आप, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 2520 मतलब 26 का सी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। इसको आप पहले मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। तो आपने अगर इसको मल्टीप्लाई करके देखा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2520, ठीक है। तो दोस्तों ये था जो है आज का जो है क्लास, एमसीक्यू पे हमने लिया है, और ये क्लास टेंथ का जो है फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर पे है। तो उम्मीद है ये जो हमने बताया है आज क्लास में, ये आपको जो है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो बाय बाय एंड वंदे मातरम।